डॉक्टर के अंगद इनका एक सवाल है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, क्योंकि कबीर जी को वो गुरु मानते थे, तो क्या आंबेडकर भी अध्यात्म को महत्व देते थे या वो खुद आध्यात्मिक थे, ऐसा हम कह सकते हैं? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कबीर जी को मानते थे। तुकाराम के भी बारे में उन्होंने काफी प्रशंसा के उद्गार निकाले हैं। वारकरी संप्रदाय के बारे में उन्होंने काफी प्रशंसा के उद्गार निकाले हैं। गाड़गे महाराज का वो बहुत समर्थन करते थे। गाड़गे महाराज भी एक संत थे महाराष्ट्र के। और इतना ही नहीं, तो गाड़गे महाराज उनकी मदद करते थे और वो गाड़गे महाराज की मदद करते थे। अब गाड़गे महाराज और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनकी दोस्ती ये बहुत ही एक अजूबा है, क्योंकि गाड़गे महाराज एक प्रकांड पंडित, कई पीएचडी जिन्होंने प्राप्त किए, और दूसरा एक व्यक्ति है जो एक क्लास भी पढ़ा नहीं, कभी स्कूल में भी नहीं गया, यानी हमारी भाषा में अगर बात करेंगे तो पूरी तरह से अनपढ़। लेकिन वो उनके साथ में बराबरी का व्यवहार करते थे। और पंढरपुर में उन्होंने, गाड़गे महाराज ने, जिन्होंने एक क्लास की पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने लोगों से एक एक पैसा इकट्ठा कर हॉस्टल निकाला पंढरपुर में, और वो आंबेडकर जी को सौंप दिया। इस व्यक्ति ने स्कूल निकाले, कॉलेजेस निकाले, एक एक पैसा लोगों से इकट्ठा कर ये काम किया। और गाड़गे महाराज 100% रैशनल थे। जितने आंबेडकर जी रैशनल थे, उतने ही वो रैशनल थे। एक प्रकार की अंधविश्वास की बात उनके मन में नहीं थी, उनके कथनी में नहीं थी, उनके आचरण में नहीं थी। सेम कबीर की बात है। कबीर और गाड़गे महाराज का समय एक नहीं है, कबीर तो पुराने हैं, जाने गाया। अंबेडकर जी का संबंध कबीर से क्या आया? कभी नहीं आया। लेकिन केवल कबीर जी का जो कथन है, उनके दोहे हैं जो समाज में फैले हैं, उसके आधार पर वो कबीर जी की बहुत तारीफ करते थे, क्योंकि कबीर ने भी अंधविश्वास के खिलाफ बड़ा काम किया है। और कबीर जी का जो भी दोहे हैं वो समता की ओर ले जाने वाले हैं। जात और धर्म के परे इंसान को इंसान कर मानने के लिए प्रवृत्त करने वाले, यही काम तुकाराम महाराज ने किया था, यही काम वारकरी संप्रदाय ने किया है, यही काम गाड़गे महाराज कर रहे थे, और यही काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करना चाहते थे, और आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन में यही बातें आई है। तो इसलिए अंबेडकर जी ने कबीर जी को मानना, ये आध्यात्मिक मान्यता का सवाल नहीं है। हमारे देश में पहले आध्यात्म के नाम पर ही हर चीज होती थी, धर्म के नाम पर और आध्यात्म के नाम पर ही हर प्रीचिंग होता था। सामाजिक सुधार भी आध्यात्मिक या धर्म के नाम पर ही होते थे। इसलिए कबीर उस जमाने के हैं, गाड़गे महाराज अभी अभी के, 1956 में उनका देहांत हुआ, अभी अभी तक वो थे लोगों में। लेकिन गाड़गे महाराज देवकी नंदन गोपाला कर कीर्तन करते थे, और किसी भी प्रकार का अंधविश्वास को नहीं मानते थे। भगवान इंसान के मन में है, ऐसा कहते थे। मंदिर में भगवान नहीं रहता है, वहां केवल पुजारी का पेट रहता है, भगवान इंसान में रहता है। इसलिए भगवान को इंसान में ढूंढना चाहिए और फिर उसकी सेवा करनी चाहिए। इंसान की सेवा यानी भगवान की सेवा, भगवान की सेवा यानी इंसान की सेवा, ये कहने वाला व्यक्ति भी हम लोग उसको आध्यात्मिक कहते हैं। हालांकि ये देखा जाए तो ये सामाजिक प्रीचिंग है। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कबीर को मानते हैं या फिर इन जैसे संतों को मानते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनके काम का सही माने में लेखा जोखा लोगों के सामने रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आध्यात्मिक चीज को मान रहे हैं। इनका जो एक बड़ा काम है समाज में परिवर्तन लाने का काम है, उसका वो रिकग्निशन मानते हैं, लोगों के सामने रखना चाहते हैं, और वो उनके ही विचारों की दिशा है, ये लोगों के सामने वो प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए वो तारीफ करते हैं।